ये छुट्टी पर था जी, छुट्टी से छुट्टी खत्म हो गई, छुट्टी बढ़ा दिया, फिर छुट्टी बढ़ा दी, मैं भी नहीं था लेकिन कोई भी है जो बताए वो ठीक है ठीक है वो सेल हो गया ठीक है, वो सर रात धागुट क्लोज हो गया ठीक है, चला गया ठीक है, स्टेज पे खत्म हो गए जी, ये यहाँ से गया होगा होटल में रहा होगा जी, होटल से ये केस ऐसा है सुबेदार साहब, ये दिन में सुनो सुनो कितनी नौकरी हुई आपके अभी 30 हो गई है तो जाने वाले हो, यदि मैं घर आता हूँ महीने की छुट्टी एक महीने के बाद या दो महीने बाद नहीं जाता हूँ तो मेरे यूनिट का ओसी जो है वो यहाँ पे एसपी को चिट्ठी लिखेगा कि इस आदमी को हमने छुट्टी भेजा था, लिखा हुआ है कहाँ है वो कागज, कहाँ है वो यूनिट में हर कुछ दिया हुआ है, थोड़ी होता है सर, हम कैसे हर जगह रिपोर्ट जाता है, तो पुलिस स्टेशन को आती है ना सब सब हर जगह, कहाँ है तो मेरे पास थोड़ा बना दे, आप पहले साहब इसको लेके तो आप लेके आए हो ना, इसका मतलब यूनिट ने तो उन्होंने छोड़ दिया, जान पर थोड़ी आदमी यूनिट यूनिट का तो कोई लेन देन नहीं, उसने तो लेके आए नहीं, लेके आए हो तो पेपर तो दे दो साहब, यूनिट का सीओ हमने छुट्टी, देखो इस तारीख को हमने छुट्टी दिया था, इसके बाद ये नहीं पहुँचा, ये इनको सूचना दी, यदि चार महीने से ये आदमी लापता है, इनकी वाइफ को इंटीमेट किया किसी ने, नेक्स्ट हम एनओके बताया आपने, आर्मी से तो 10 दिन में इधर उधर होता है ना, उसकी सूचना 24 घंटे के अंदर आता है समाचार, जो भी आप एडी ओवर की बात में एब्सेंट नहीं रह सकते, ओसी से आप बताओ साहब, वो डेड बॉडी नहीं ले रहे, विधायक जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, और इस बात का पहले जस्टिफाई दीजिए आपकी, यदि आपने छुट्टी भेजा था वो कागज कहाँ है, ये आदमी टाइम से वापस नहीं गया, ओएसएल आपने डिक्लेयर किया है, डेजर्टर घोषित किया है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई है, 3 महीने तक यदि नहीं, एक सेकंड, 3 महीने तक साहब यदि ओएसएल कंटिन्यू रहता हूँ तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हेल्ड हो जाती है, डेजर्टर घोषित हो जाता है, बिल्कुल एसओएस हो जाता है, मैसेज आ जाता है, कहाँ है वो कागज, करो तसल्ली से भेजा आराम से करो, मैं क्या इसको बता दूं, उनसे बात कीजिए, किन को पता है, इनकी वाइफ घर वालों को पता है, कहाँ पता होता तो बात ही क्यों कर रहे हैं आपसे, तो मेरे थोड़ा इतना वो तो उसी से बात, हाँ उसी आराम उसी हिसाब से कराओ, अधिकारी आप बात कर लो ना, क्या भैया आप 3-6 मिनट के गेट पर साहब का वो है, आप इंटरव्यू कर लो साहब, मत करिए, मैं इसलिए कह रहा था, हाँ ठीक है आप बैठ बैठो बैठो ठीक है, यहाँ पे बात कर लो, जब विधायक जी बैठे हैं यहाँ पे आए हुए ठीक है, जान से पता नंबर ले लो, बात कर लो, चलो आप लोग बात हो रही है, लगाने से थोड़ी फायदा नंबर ले लो, बात कर लो जी, सोल्यूशन हो रहा है, सोल्यूशन आप क्या बताइए उनको कि साहब ये कागज मांग रहे हैं, नहीं तो ये डेड बॉडी नहीं ले रहे, करो बस आराम से कर लो, आप बताइए उनको जो भी आपके पर है ही नहीं, पल्ला झाड़ रहे ऐसे ही कि हमने तो भेज दिया था, अब वो पता नहीं कहाँ कैसे हो गया, ऐसा होता है क्या, जिस दिन मेरे सांस है तब तक की जवाबदारी फौज की है, कि आपने पेंशन थोड़ी भेज दिया उनको, नहीं होता साहब, यदि मैं छुट्टी आ गया नहीं गया, एक महीने के बाद में नोटिस आ जाता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठ जाती है, कागज घर आ जाते हैं कि भैया ये आदमी 3 महीने से लापता है, पुलिस वाले या तो ढूंढ के लाओ, पुलिस फोर्स को सूचना आती है, वही बताया इनको कि एसपी को सूचना आती है सर, फिर यूनिट में भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठते हैं उसमें उसको पनिशमेंट मिलता है, पनिशमेंट की बात ही नहीं, वो 3 महीने तक नहीं आया था, ये तो राम से सांकड़े साहब बोलो साहब, वो नहीं आ रहे, पेपर मांग रहे इनके, मैंने क्या बात करनी है आपको, क्या है, हो सकता है यूनिट में कोई हादसा हुआ इनके साथ में, ये छुपा रहे हो हमसे, हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो या साथ वाले ने किसी ने कुछ कर दिया होगा, हादसा आजकल हर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारा निवेदन है मीडिया के माध्यम से भी, और आपकी जो जनता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक जी आए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध है मेरा कि जब तक ये कागज पूरे ना दिखाएं कि इनके साथ असलियत में हुआ क्या है, तब तक इनका जो है पार्थिव देह सेना के सुपुर्द रहे और इनके जबरदस्ती जो है घर वालों के मथे में ना मड़े। हमारी मांग ये है कि पहली बात तो ये सेना में था, सेना सेवारत था, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, और शहीद के जो भी फायदे हैं, जो भी उनको उनका
बेनिफिट है, मिलना चाहिए, वो सारा का सारा पहले दे, उसके बाद में कागज दिखाए, तत्पश्चात जो है इसका क्रिमेशन किया जाए। बड़ी दुखद घटना है ये कि हमारे नार सिंघानी पुनिया की ढाणी में राजवीर सिंह पुनिया जो अमनेशन कंपनी में जम्मू सांबा में आर्मी में काम कर रहे थे, और आज हमें सूचना मिली तो मैं मौके पर पहुंचा, तो मौके पर आकर के मुझे बड़ा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को लेकर के कि सेना मात्र एक सिर्फ यहाँ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को लेकर आई है कि इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, जबकि ये तय नहीं किया गया। सेना की जिम्मेदारी बनती है, जब तक सैनिक घर पे रिटायर पेंशन चला जाता है उसके बावजूद भी सैनिक की जिम्मेदारी सेना ने ले रखी है, पेंशन देती है, सारी व्यवस्था करती है। पर आज तो ये नौजवान सेना में नौकरी कर रहा था, तो मैं समझता हूँ कि ये घटना क्या हुई इसके तह तक जाना चाहिए। जब तक हमें पूरा परिवार संतुष्ट नहीं होगा, हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हम बॉडी को नहीं लेंगे, और अभी उच्च स्तर पर बातचीत करेंगे और इसके सोल्यूशन तक हम पहुँचेंगे। इसकी क्या घटना हुई है, हम संतुष्ट नहीं होंगे तो ये बिना न्याय के ये काम नहीं करेंगे। राजवीर सिंह जी की डेड बॉडी तो घर पे पहुंच गई है, लेकिन सेना के साथ कोई दस्तावेज नहीं है जो सेटिस्फाई कर सके कि क्या घटना वहाँ हुई है। हमारा यही है कि वहाँ से जो इस तरह से बातचीत करके वहाँ जो घटना हुई है उसकी वास्तविकता जानकारी कुछ किया जाएगा आगे। सर वो तहसीलदार जी से मैसेज मिला, मिलते ही मैं यहाँ पहुँच गया मौके पर, और सैन्य कल्याण से भी बातचीत चल रही है, और सेना से पुख्ता बात करके ही कुछ चले जाओ।
इंटर करनी है। कोई बात नहीं जिंदा जिंदा है काटू मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इतनी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए हैं एक शहीद की अंत्येष्टि को कवर करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे नारक सिंगाड़ी के पुणे की ढाणी में आज बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है। हमने एक वीर सपूत को खो दिया है, जो सेना में सेवारत थे, सांबा में उनकी पोस्टिंग थी। अचानक कल पता चला है कि वो शहीद हो गए हैं। सुबह तो हमें ये नहीं पता चल रहा था कि हुआ क्या है, लेकिन उनके साथ में जो आए थे सैनिक, उनसे जब वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, उसके बाद उनके यूनिट में उनके अधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि हमारे जो कागज हैं वो पीछे से हम बना के भेज रहे हैं, इनको जो भी शहीद का दर्जा देने की कोशिश करेंगे, जो भी फायदा जो इनको मिलना चाहिए वो सारा का सारा मैक्सिमम दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बहन ने भाई खो दिया, घरवाली ने अपना पति खो दिया, एक नन्ना मुन्ना है इनका 6-7 साल का। सबसे बड़ा दुख ये होता है उस बच्चे की तरफ देख करके, लेकिन क्या करें, भाग्य को यही मंजूर था। लेकिन एक सैनिक शहीद हुआ है, ये एक हमारे गर्व की भी बात है, क्योंकि एक सैनिक जब जाता है भर्ती होने के लिए, उस टाइम उसको पता चलता है कि जा तो मैं रहा हूं लेकिन आऊंगा मेरी मर्जी से नहीं। और एक तिरंगे में लिपट के आना एक सबसे बड़ी शान है, हर किसी को नसीब नहीं होता, चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन एक तिरंगे में लिपट के आना। और आज ये हमारा राजवीर जो है तिरंगा में लिपट के आया है, इसको सम्मान सैनिक सम्मान के साथ में अंत्येष्टि की गई है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हम उम्मीद करेंगे उनका जो इमोलमेंट्स है, जो भी सेना की तरफ से मिलना चाहिए उनको मैक्सिमम मिले। और सैनिक कल्याण अधिकारी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी जो इनको बच्चों के लिए हो सकता है राज्य सरकार की तरफ से, वो भी प्रयत्न करके इनको लाभ दिलवाने की कोशिश करें। नारसिंगाड़ी पुनिया की ढाणी के गांव के, इनकी 22 साल सर्विस और सेना में सेवारत रहे हैं, इन्होंने अच्छी सेवाएं दी हैं। आज इनका पार्थिव देह इनके गांव लाया गया और अभी इनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम अंत्येष्टि की गई है। और सभी गांव वाले यहां पर मुख्य अपने जाखल साहब सभी आए हैं और इनको सैनिक सम्मान के साथ आज विदा किया जा रहा है। और इनकी 22 साल सर्विस, जो इनके बच्चे वगैरह हैं, उनको जो भी आगे के लिए लाभ मिलेंगे, जो सेना देती आई है वो मिलेगी।